फेसबुक क्वेश्चन संकल्प बहराली वॉट आर योर व्यूज ऑन अरुणाचल प्रदेश ओवर चाइनाज क्लेम एंड ऑन द कश्मीर इशू the ऑन दियाू देखिए पहले चीज तो मोटे मोटे तौर पे लेट मी जस्ट एक्सप्लेन अरुणाचल भी इस देश का हिस्सा है और कश्मीर भी इस देश का हिस्सा है हम लोग जब कहते हैं कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया

और जिस दिन हमने कश्मीरियों के कश्मीरी भी अपने भाई बहन हैं हमारे ही देश के लोग हैं हमारे ही साथ के लोग हैं जिस दिन हमने इन लोगों के दिल जीत लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये लोग बाकी काम कर लेंगे तो दिल जीतने के लिए आप आर्मी वापस बुला लेंगे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्मी को ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए जितने दिन की ज़रूरत है उतने दिन रखना चाहिए कंटिन्यूस किसी भी एरिया में अगर आर्मी रहती है तो उसके बहुत सारे और नफे नुकसान होते हैं बट नीटिग्रिटीज़ में नहीं जाने चाहिए दस दिन रहने चाहिए दैट इज़ अ समथिंग दैट और आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 में मेरा ये मानना है कि ये देश जो है दो तरह के फेडरलिज्म होते हैं वन इज सिमेट्रिकल फेडरलिज्म एंड वन इज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म सिमेट्रिकल फेडरलिज्म इज यूएसए जैसे जितने स्टेट्स हैं सबको सेम टाइप के अधिकार हैं सेम टाइप के ये हैं सेम टाइप के भारत का जो एग्जिस्टेंस हुआ ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस था uh, एक स्टेट सिक्किम बाद में आया और एक स्टेट इस टाइम आया और अलग अलग स्टेट्स के साथ अपने अलग अलग एक्सेशन के एग्रीमेंट्स हुए यूएसए में भी ऐसे अलग अलग उनके स्टेट लॉज होते हैं तो ठीक है नाउ so, आर्टिकल uh, 370 है जैसे वैसे ही आर्टिकल 371 है 371 ए है 371 बी है 371 सी है देर आर थर्टीन मोर स्टेट्स जिनके साथ हमारे अलग अलग किस्म के संविधान के अंदर हुआ है प्रोविजन है ट्राइबल एरियाज के लिए अलग है हिली एरियाज के लिए अलग है ये देश बड़ा डाइवर्स है देश बड़ा अलग अलग है so मुझे लगता है कि जो है वो ठीक है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है नंबर वन आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही मेरा यह मानना है कि जो सिविल कोड है अगर उस सिविल कोड में ऐसे कुछ भी प्रावधान है किसी भी धर्म का सिविल कोड है किसी भी आ, आ, वो अलग अलग कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस है विच इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन जैसे कुछ हैं जिसमें कह सकते हैं वुमेन्स राइट्स का वायलेशन होता है एक्स वाई जेड तो हमें एक हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं हम ये नहीं कह सकते हिंदू कोड शुड बी मेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट इज नॉट अ जस्टिफिएबल थिंग हम एक मिनिमम कुछ चीजें रख सकते हैं विच कैन बी ट्रीटेड एज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड जस्ट बेयर मिनिमम थिंग्स एंड लेट एवरी रिलीजन एंड एवरी ट्राइब आज ट्राइबल हिंदुओं के अंदर ही इतने किसम के कस्टमरी प्रैक्टिस कस्टमरी प्रैक्टिस हैं आप सबके ऊपर फोर्स कैसे कर सकते हो ये देश एकदम से उफान आ जाएगा देश के अंदर सो so, अलग अलग कस्टमरी प्रैक्टिस सबको अपने वो करने के अधिकार होने चाहिए अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना भी चाहते हो तो दैट शुड बी ओनली लिमिटेड टू इन्श्योरिंग की सब लोगों के फंडामेंटल राइट इंटेक्ट रहे